साहब इन्हें कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। तारीख का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है कि ऐसे मसाइल, आजादी के मसाइल, हक के खुदरादियत के मसाइल, ये मसाइल अवाम करती, अवाम से होते हैं। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है, मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का शवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फिकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे, ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे, ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। That this initiative for peace will be extended now to the only grave issue still outstanding between India and Pakistan, namely the Kashmir question. It is our most earnest hope that this noble precedent will give rise to a new spirit in the relations between Pakistan and India and lead to the settlement of this problem of problems of our vast. Stories are beginning to trickle out, which give us some idea of the extreme measures employed by India to wreak vengeance upon the people of Jammu and Kashmir. A dispatch by the special correspondent of the Paris daily La Figaro contains the following account of his meetings with some of those who have escaped the Indian terror. And I quote, "An angry young man grabbed my arm and told me the story of his village, Mandi, somewhere in the vicinity of Punch. Indians have cut off the breasts of our girls and held them up by saying, 'Here is your Pakistan.' 7 members of my family have been taken by the soldiers and butchered." He went on with tears in his eyes. Another man interrupted. "They locked people in their houses and set fire at them. The whole village has been burned." अगर कश्मीर के मसले को हल करना है तो फिर कश्मीर के अवाम को ही यह फैसला करना चाहिए। एक मुश्तरका वायदा किया गया था कश्मीर के गरीब अवाम के साथ, और वो वायदा पाकिस्तान का भी था और हिंदुस्तान का था, और वो राय शुमारी का वायदा था। कहने की तो बात एक रहती है, हकीकत दूसरी है, तो फिर कितना भी हम कहें वो हकीकत से हम नहीं भाग सकते हैं। ये हकीकत नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, ये हकीकत नहीं है। आजादी के फैसले पर और मुस्तकबिल के तकरीर पर राय शुमारी ली जाती है, इंतखाबात नहीं होते हैं। कैसे कश्मीर की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है कि 3 इंतखाबात और 4 इंतखाबात हुए तो कश्मीर के अवाम ने फैसला किया है। कहां कश्मीर के अवाम से ये सवाल पूछा गया है? कहां कश्मीर के अवाम से ये वाहिद सवाल पूछा गया है? वाहिद सवाल पूछना है, एक ही सवाल पूछना है, और उस वाहिद सवाल का जवाब देना है कि क्या आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, क्या आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो? ये होता है राय शुमारी। हिंदुस्तान ने 2 वायदे किए थे कश्मीर के अवाम के साथ, एक था हक के खुद इरादी का, दूसरा था खुद मुख्तारी का। लेकिन मैं क्या कहूं, पहले तो उन्होंने हक के खुद इरादियत की बातें करके कहा कि हम आपको खुद मुख्तियारी देंगे, तो ऐसे बेचारे कोई हमारे लीडर थे, उन्होंने कबूल कर ली उनकी बात। बाद में उन्होंने क्या देखा कि हमें तो खुद मुख्तियारी नहीं मिल रही है, जो खुद मुख्तियारी हम चाहते थे वो हमें नहीं मिल रही है, तो उनके हक के खुद इरादी भी छीन ली और खुद मुख्तियारी भी छीन ली। अब फिर हिंदुस्तान की हुकूमत कह रही है उन्हें कि हम खुद मुख्तियारी आपको देंगे। फिर वो बातें कर रहे हैं, मुदाकरात कर रहे हैं कश्मीर के अवाम के साथ खुद मुख्तियारी के लिए। क्यों? अगर खुद मुख्तियारी देनी थी तो शुरू से क्यों नहीं, जब आपने वायदे किए थे कि आप उनको खुद मुख्तियार करेंगे, क्यों नहीं उस वक्त खुद मुख्तियारी की? उस वक्त जब उनका वक्त आया उनको इस्तेमाल किया। ये खुद मुख्तारी का जो नारा फिर लगा रहे हिंदुस्तान की हुकूमत, ये एक किस्म का सियासी उनका कदम है, सियासी फैल है उनका। ये एहतजाज है हमारा, ये एहतजाज है क्योंकि हक के खुद इरादियत पर हम डटे हुए हैं। वो ही है तरीका कश्मीर के मसले को खत्म करने का, ये नहीं कि